नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रियल वास्तु विद मेघा में। ईश्वर की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। कब से शुरू है शारदीय नवरात्रि, जाने नवरात्रि में कलश स्थापना का महत्व और विधि। हिंदी पंचांग के अनुसार साल में नवरात्रि चार बार मनाई जाती है, दो बार गुप्त नवरात्रि और दो नवरात्रि को मुख्य रूप से मनाया जाता है। इसमें चैत्र और शारदीय मुख्य नवरात्रि हैं, जिसे देश भर में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि का मतलब है नौ रातें। नौ दिन तक चलने वाली शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा की नौ रूपों की पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, नवरात्रि के दिनों को काफी पवित्र माना जाता है। इन दिनों में कोई भी शुभ काम बिना पंडित से सुझाए किए जा सकते हैं। साल 2021 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 7 अक्टूबर 2021 गुरुवार से होकर 15 अक्टूबर 2021 शुक्रवार तक है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। पुराणों में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है, तभी तो लोग इन नवरात्रि का बेसब्री से इंतजार करते हैं। आइए जान लेते हैं क्यों करते हैं दुर्गा माँ की नौ रूपों की पूजा। नवरात्रि माँ दुर्गा की उपासना का त्योहार है। जहाँ हिंदू धर्म में इसे नवरात्रि कहा जाता है, वहीं बंगाली धर्म में ये नौ दिन दुर्गा जी की पूजा की जाती है। प्रथम दिन उनकी स्थापना और समापन पर विसर्जन किया जाता है। हर साल श्राद्ध के बाद ही नवरात्रि की शुरुआत हो जाती है। सब जगह वातावरण भक्तिमय हो जाता है। नौ दिनों तक चलने वाला यह पर्व हर दिन अलग अलग देवी को समर्पित है। शुरुआत के तीन दिनों में माँ दुर्गा की शक्ति और ऊर्जा की पूजा की जाती है। इसके बाद के तीन दिन यानी चौथा, पांचवा और छठे दिन जीवन में शांति देने वाली माता लक्ष्मी जी को पूजा जाता है। सातवें दिन कला और ज्ञान की देवी को पूजा जाता है। वहीं आठवां दिन देवी महागौरी को समर्पित होता है। इस दिन महागौरी की पूजा की जाती है। आखिरी दिन यानी नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री देवी की पूजा की जाती है। आइए जान लेते हैं कलश का महत्व। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि का पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिपदा तिथि यानी नवरात्रि के पहले दिन ही कलश की स्थापना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि कलश को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, इसलिए नवरात्रि पूजा से पहले घट स्थापना यानी कलश की स्थापना की जाती है। आइए अब जानते हैं कि कलश की स्थापना किस प्रकार करनी है। कलश स्थापित करने के लिए सवेरे उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहन लें, मंदिर की साफ सफाई करके एक लाल कपड़ा बिछाएं। इसके बाद उसके ऊपर एक चावल की ढेरी बनाएं। एक मिट्टी के बर्तन में थोड़े से जौ बोएं और इसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाएं, कलावा बांधें, एक नारियल लेके उसके ऊपर चुन्नी लपेटें और कलावे से बांधकर कलश के ऊपर स्थापित करें। कलश के अंदर एक साबुत सुपारी, अक्षत और एक सिक्का डालें। अशोक के पत्ते कलश के ऊपर रखकर नारियल रखते हैं। नारियल रखते हुए माँ दुर्गा का आह्वान करना न भूलें। अब दीप जलाकर कलश की स्थापना करें। स्थापना के समय आप सोना, चांदी, तांबा, पीतल या मिट्टी किसी भी कलश का इस्तेमाल कर सकते हैं। नवरात्रि में पूजा करने और व्रत रखने के साथ ही साथ कलश की स्थापना का भी अति महत्वपूर्ण स्थान होता है। कहा जाता है कि कलश स्थापना के बिना पूजा अधूरी रह जाती है। नवरात्रि व्रत
और पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि का पहला दिन अति महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों में कलश को ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। यह शांति और सृजन का संदेश वाहक भी है। मान्यता है कि संपूर्ण देवता कलश रूपी पिंड या ब्रह्मांड में एक साथ समाहित हैं। वे सभी देवता एक हैं और ये एक ही शक्ति से संबंधित है। यह कलश बताता है कि वस्तुतः एक देववाद का ही रूप है। इसलिए नवरात्रि पूजा से पहले घट स्थापना या कलश की स्थापना की जाती है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो कमेंट में जय माता दी लिखें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।